खबरों की शुरुआत करते हैं खबर कानपुर से, जहां पर जनतंत्र टीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। कानपुर की मुक्केबाज संजना कश्यप को राज्य सरकार अब प्रशिक्षण देगी। जी, यूपी बॉक्सिंग अकादमी में संजना कश्यप को बॉक्सिंग की निःशुल्क अब ट्रेनिंग दी जाएगी। खेल मंत्री चेतन चौहान ने कहा है कि सरकार संजना के बॉक्सिंग स्किल को बेहतर करने में पूरा सहयोग करेगी। आपको बता दें कि कानपुर की बेहद गरीब परिवार की संजना कश्यप ने भूटान में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था। जनतंत्र टीवी ने रविवार को इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद अब संज्ञान लिया गया है। यह कहा जा सकता है कि एक बेहद गरीब परिवार से संजना कश्यप थी, और अब खबर यह आ रही है कि मुक्केबाज संजना कश्यप को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि जनतंत्र टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। और यूपी बॉक्सिंग अकादमी संजना कश्यप को यूपी सरकार बॉक्सिंग की निःशुल्क ट्रेनिंग देगी। खेल मंत्री चेतन चौहान ने इसकी अनुमति दी है। हमारे संवाददाता अमित सिंह चेतन चौहान से खास बातचीत की है, सुनिए। भूटान में आयोजित हेपकिडो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सब जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद से वो सुर्खियों में आ गई। हमारे साथ चेतन चौहान साहब हैं, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री हैं। सर, एक बेहद गरीब लड़की, लेकिन उसके हौसले बुलंद हैं, देश के लिए उसने गोल्ड जीता, वो चाहती है कि प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे जो भी खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, हम उनकी मदद करते हैं। और कानपुर की बच्ची है, कानपुर में हमारे पास बॉक्सिंग की सुविधा है, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, बहुत सारे खेलों की सुविधा है, तो बॉक्सिंग की भी वहाँ पर सुविधा है। और मैंने बात की है मेरे खेल निदेशक से, और उनके पास आदेश पहुँच जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास कोचिंग की भी सुविधा है, और कल से ही बच्चे जो है स्टेडियम में चली जाए, वहाँ पे एक अच्छी कोचिंग उसको मिल जाएगी। जो ऐसे गरीब बच्चे हैं, जो होनहार हैं, जिनमें टैलेंट है, उनको आगे बढ़ाने को लेकर सरकार की क्या योजना है? बॉक्सिंग है, जूडो है, एथलेटिक्स है, तो उसको लेकर क्या योजना है? देखिए, जो बच्चे 12 साल से कम की उम्र वाले होते हैं, तो उनको हम लोग स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, एक गोरखपुर में है, एक लखनऊ में है, एक सैफई में है, तो वहाँ पर ही सुविधा है, जहाँ पर खाना पीना रहना कोचिंग सब कुछ, पढ़ना पढ़ाई किताबें सब कुछ उत्तर प्रदेश सरकार पहन करती है सारा खर्चा। खेल मंत्री चेतन चौहान साहब ने उसको एक तरीके से प्रशिक्षण की अनुमति दे दी है, वो बच्ची जो है वो कानपुर में जाकर बॉक्सिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकेगी, प्रशिक्षण ले सकेगी। तो एक बड़ा असर हुआ है जनतंत्र टीवी की खबर का। कैमरा पर्सन मिथिलेश गुप्ता के साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। वाकई एक अच्छी पहल कही जा सकती है, स्वागत करना चाहिए सरकार का। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, अक्सर हम देखते हैं कि सियासी उठक पटक के बीच ऐसी अच्छी खबरें छूट जाती हैं, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने इस खबर को दिखाया था, बल्कि दिखाया नहीं, प्रमुखता से उठाया, सरकार से सवाल पूछे। अब क्या असर हुआ, क्या आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से? लेकिन निश्चित रूप से जनतंत्र टीवी की मुहिम का एक बड़ा असर हुआ है, और खुद खेल मंत्री ने भी कहा कि ये आपका सराहनीय प्रयास था। और खबर के बाद उन्होंने तुरंत आरपी सिंह, जो कि खेल निदेशक हैं उत्तर प्रदेश के, उनको उन्होंने एक तरीके से निर्देश दिया कि आप तत्काल प्रभाव से इस बच्ची को और स्किल इसका और डेवलप हो सके, ये और बेहतर ट्रेनिंग ले सके, इसको तुरंत निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था आप कराइए, और कल से ही बच्ची जो यूपी बॉक्सिंग एकेडमी है कानपुर में, वहां वो जाकर प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दे। तो एक तरीके से निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दी है। खेल मंत्री चेतन चौहान का कहना था कि जैसे जैसे ये लड़की बेहतर करेगी, वैसे वैसे सरकार इसको और सुविधा देगी, और कोशिश ये करेगी कि आने वाले समय में ये जो लड़की है वो और बेहतर कर सके, सरकार इसके लिए भरसक प्रयत्न करेगी। जी बिल्कुल, सरकार प्रयास करेगी इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सिंह आपका इस तमाम जानकारी। संजना कश्यप जो बेहद गरीब परिवार से थी, हमने इस खबर को दिखाया, सरकार से सवाल पूछे, और उसके बाद अब प्रशिक्षण वो भी मुफ्त में दिया जाएगा।